हरी भारद्वाज जी, किशन चंद ठाकुर जी, श्री गजपति जी और इस मंच का संचालन कर रहे छोटे भाई हेमंत वर्मा जी, उनके साथी गोपाल जी और यहाँ पर उपस्थित जिनके नाम नहीं ले सका उन्हें भी मैं आदरपूर्वक संबोधित करता हूँ। यहाँ पर मेरे बुजुर्गों और युवा साथी, आज इस बैठक को सफल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से अपनी भावना को प्रकट किया उस पर थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। आज जो बैठक बुलाई गई है ये कोई टिकट प्रक्रिया से जुड़ी हुई बैठक नहीं है। 4.5 वर्ष के कुशासन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा और स्थानीय विधायक द्वारा जो इस क्षेत्र की अनदेखी हुई है और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जनप्रतिनिधियों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और किया गया है, इस बात को उठाने के लिए, जनजन तक पहुंचाने के लिए, जनजन तक पहुंचाने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होने के लिए आज हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं। यह ठीक बात है कि विधानसभा के चुनाव बहुत निकट भविष्य में होने वाले हैं और उसके लिए मात्र 2 महीने का समय रह गया है, इसलिए ये एक प्रक्रिया हमारी जन जागरण की प्रक्रिया भी है, जनसंपर्क अभियान की भी प्रक्रिया भी है, क्योंकि कोई भी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए संगठित होना, एकजुट होना बहुत जरूरी है और आज समय है जब हमें एकजुट होने का और संगठित होने का। कुछ वक्ताओं ने पार्टी संगठन में जो बिखराव की स्थिति अखबार के माध्यम से या फिर अन्यथा जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, चाहे उसमें मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं, उस पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। ऐसा होना स्वाभाविक है, जिस क्षेत्र में नेता विहीन जो क्षेत्र होता है, जहां पर कोई स्थापित नेता नेतृत्व नहीं होता, वहां पर इस तरह की बिखराव की स्थिति लगती है। मगर क्योंकि पहले हमारे यहां पर स्वर्गीय धर्मपाल ठाकुर जी ने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया 15 वर्ष तक और आप लोगों की सेवा की, क्षेत्र की सेवा करी, वो बड़े जमीनी स्तर से जुड़े हुए थे और उन्हें पता था कि किस क्षेत्र में क्या समस्या है और उन्होंने अपने जितने भी संभावित प्रयास किए उनकी समस्याओं के समाधान के हेतु, लेकिन उनका हमारे बीच से अनायास ही चला जाना वो एक बहुत बड़ा नुकसान है क्षेत्र के लिए। वो उस सदमे से अभी तक हमारा जो क्षेत्र नहीं उबर पाया, ये ठीक बात है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत कर गए। विधायक जब कोई बन जाता है तो एक संवैधानिक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उस जनप्रतिनिधि को जिसको यह नहीं पता कि मेरी भूमिका क्या है, विधायक बनने के बाद क्या मेरी भूमिका है, अगर बिना सोच का विधायक, किसका जिस विधायक का कोई विजन ही ना हो, ऐसा विधायक यदि वो विधानसभा में चले जाता है तो उस क्षेत्र का ये दुर्भाग्य होता है, वो क्षेत्र जो है पिछड़ेपन की ओर जाता है। आज यह स्थिति अर्की विधानसभा क्षेत्र की हुई है, आपको ज्ञात होगा अखबार के माध्यम से और वैसे भी चर्चा का विषय है कि शायद जो वर्तमान विधायक है उनका टिकट कटने जा रहा है और कट सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, आला नेता हैं, हाईकमांड है, उन्होंने भी एक चीज बात को देखा, जो हम ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, हम कोई उनके ऊपर टिकट टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, मगर उनके अपने नेताओं ने यह देखा कि ये शख्स जो है काबिल ही नहीं है नेतृत्व करने के लिए, इसलिए इस बात की चर्चा हुई। टिकट किसी को भी मिले, आज हम जिस तरह से काम कर रहे हैं वो टिकट के लिए नहीं कर रहे हैं या मैं अपनी कोई व्यक्तिगत प्रोजेक्शन के लिए नहीं कर रहा हूं। आज जिस तरह का जो समय आया है, जो हमने यहां पर खोया है इन 4.5 वर्षों में, अर्की का वो गौरव प्राप्त करने के लिए हमने यहां पर वातावरण बनाना है और किस तरह से आगामी जो हमारा जो भी प्रत्याशी होगा उसको जीत हासिल करने के लिए जो हमने वातावरण बनाया है उसके लिए हम प्रत्याशी होंगे। क्योंकि जब तक हम कार्यकर्ताओं के साथ, आज लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा सुखद पहलू है कि स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति, जो हमें कोई भी व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचार से जो है वो संबोधित कर सकता है, खुले रूप से वो स्वतंत्र है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, अपनी भावना को प्रकट करने के लिए। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी में भी लोकतंत्र है, पिछली जो भी गलतियां हुई, यकीन करो जो है हम यहां पर सीट हारे उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग सभी कुछ जानते हैं, मगर वैसी गलती अब ना हो और हमारा ये परिवार जो है संगठित होकर, एकजुट होकर आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव में लड़े और इसके लिए
आज पिछले दो जुलाई और 3 जुलाई को श्री राहुल गांधी जी का दौरा था कुल्लू का, मुझे भी समय मिला और व्यक्तिगत रूप से जो है हमारी इंटरेक्शन हुई, बातचीत हुई, उन्होंने जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ लगभग 2-2.5 घंटे संवाद किया और उन्होंने हमसे जो फीडबैक लिया उसके आधार पे एक बात उन्होंने हमें जो है आश्वासन दिया मंच के माध्यम से, लगभग कोई वहां पर 5000 लोग थे, उन्हें सभी को ये कहा कि ब्लॉक की जो भूमिका है उसकी अनदेखी नहीं होगी, जिला की जो भूमिका है जिला कांग्रेस कमेटी की उसकी अनदेखी नहीं होगी, आम कार्यकर्ता का क्या फीडबैक है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता का क्या फीडबैक है उनकी कोई अनदेखी नहीं होगी, स्थानीय नेतृत्व को अधिमान दिया जाएगा और जो लोग विचारधारा से जुड़े हैं और जो लोगों से जुड़े हैं सामाजिक रूप से लोगों से जुड़े हैं उन लोगों का अधिमान दिया जाएगा, स्वयं वो नेता अब नहीं चलेंगे, पैराशूटी अब नहीं चलेंगे, इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया। आज यदि हम ये देखते हैं कि भाई टिकट जब मिलेगा तब काम करेंगे तो जीत हमें हासिल नहीं होगी, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, आप इतिहास के पन्ने पलट लीजिए, पिछले 3 चुनाव में जब जब भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी विजय हुआ है, चाहे वो स्वर्गीय धर्मपाल ठाकुर जी थे, जो मार्जिन होता था 500 से 1000 वोट का होता, जब धर्मपाल ठाकुर जैसे जो सरीखे नेता